जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, हमारे पास होंडा CL7 आई है, ठीक है। आपको चेक करवाते हैं, हम इसकी व्हील बैलेंसिंग करने लगे हैं। ये देखें, टायर हमने खोल लिए इसके और व्हील बैलेंसिंग कर रहे हैं इसकी। CL7 CL9 एक ही चीज़ होती है, सिर्फ लाइटों का फ़र्क आ जाता है इसके अंदर, ठीक है जनाब। ये देखें, आपको बैलेंसिंग की तरफ लेके चलते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। लैंडमिन की मशीन है ये, फिर आगे व्हील बैलेंसिंग की मशीन है। चेक करें, बैलेंस हो गया, इसका रेट डेढ़ है, ठीक है। ये देखिए, बिल्कुल 0-0 हो गया था। एक बैलेंस कर दिया, दूसरा लगाएंगे वो भी आपको चेक कर रहे हैं कि बैलेंस कैसे होता है। ये चेक करें, दूसरा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। वेट लगाएंगे, वेट लगा के चेक करवाएंगे कैसे 0-0 होता है, ठीक है। इसको वेट लगा के 0-0 करके कंप्लीट आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका बैलेंस होता है, कैसे 0-0 होता है, ठीक है। कितना इसको वेट लगता है, लोहे का वेट भी लगता है, स्टिकर वेट भी लगाते हैं हम लोग। वो वेट रिम के हिसाब से लगाते हैं, जिस हिसाब से फिटिंग होती है। प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, इंजन ट्यूनिंग, सस्पेंशन, ब्रेक सर्विस, पांच गाड़ियों का काम कर लिया जाता है। ठीक है, एक साइड देखें 0-0 होगी, एक साइड पर 5 ग्राम का फर्क है, वो भी लगा के 0-0 करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। किसी भाई ने काम करवाना हो तो हमें रबता नंबर भी हम लोग देते हैं, वो भी आप रबा कर सकते हैं। इसकी अभी लैंडमिट करेंगे, लैंडमिट भी आपको वीडियो देंगे कि कैसे लैंडमिट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, फिर टायर चला दीजिए, जैसे 0-0 हो जाएगा वैसे 0-0 आ जाएगा टायर। वेट की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल 0-0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया।